हेलो डियर जेंटलमैन, तो आज हम जानेंगे कि अमीर बनने वाली फार्मूला एक कहानी के माध्यम से। और हाँ, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति कैसे। और एक बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जिस बंदे ने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया, उसकी लाइफ में ग्रोथ 100% होगी, ये मेरा वादा है आपसे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। एक गाँव में गरीब व्यक्ति था जो हर पल भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत ही करता रहता था। उसकी शिकायत भगवान से यह थी कि उसकी झोपड़ी से दूर रहने वाला एक व्यक्ति इतना अमीर क्यों है और मैं इतना गरीब क्यों हूँ। उसे हर पल लगता था कि भगवान ने जानबूझकर उसे गरीब आदमी बनाया है, जिसकी वजह से वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है। अब उस गरीब आदमी की दिन रात की शिकायत सुन सुनकर एक दिन भगवान ने सोचा कि आज तो मैं इसे जवाब दे ही देता हूँ। और ऐसे में भगवान ने क्या किया कि उन्होंने जो वो दूसरा वाला अमीर आदमी था, उसे भी इस पहले वाले गरीब आदमी की तरह गरीब बना दिया और दोनों को मछली पकड़ने वाली एक एक छड़ी दे दी। अब दोनों व्यक्ति एक ही जैसे झोंपड़ी में रहते थे और एक ही तरह के हालात का सामना करने लगे, क्योंकि अब दोनों ही बराबर के गरीब थे। अब जब दोनों के पास कुछ खास काम करने के लिए था नहीं, तो अब उनके पास जो एक मछली पकड़ने वाली छड़ी थी उसका इस्तेमाल ही करने लगे। और उस छड़ी की सहायता से उन्होंने आज 10-10 मछलियाँ पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद वो जो आदमी पहले से ही गरीब था, उसने मछलियों को ले जाकर मार्केट में बेच दिया और उसके बदले में 2,000 रुपये कमा लिए। और उस आदमी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, मिठाइयाँ खरीदा। और इसी तरह इस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत ही शानदार पार्टी करते हुए गुजारा। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब बन चुका था, उसने सिर्फ 9 मछलियाँ ही बेची और एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी के 9 मछलियाँ को बेचकर उसने 1,800 रुपये कमा लिए। अब उसने यह 1,800 रुपये फालतू के चीज़ों में बर्बाद करने के बजाय उसने 1,000 रुपये की एक और मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीद ली तथा 500 रुपये देकर एक आदमी को अपने साथ काम पर रख लिया और बाकी के 300 रुपये बचा करके रख लिए कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके। अगले दिन जो इंसान गरीब था और अपने कमाए हुए सभी पैसों को खर्च कर दिया था, उसने आज फिर से 10 मछलियाँ ही पकड़ी। इस बार भी उसने वही किया, 200 मछलियों को बेचकर कमाए हुए पैसों से उसने अपने सारे अधूरे 100 को पूरे कर लिए। लेकिन वही दूसरी ओर जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था, उसे आज टोटल 20 मछलियाँ मिली, क्योंकि अब उसके साथ काम करने के लिए एक दूसरा आदमी भी था। अब उसने 20 में से 18 मछलियों को बेच दिया और 2 मछलियों से अपने परिवार का पेट भर लिया। लेकिन अब उसे 18 मछलियाँ बेचने पर कुल 3600 रुपये मिले, जिसकी मदद से उसने 2,000 रुपये की 2 और छड़ियाँ तथा 5,500 रुपये में 2 और व्यक्तियों को काम पर रख लिया। अब उसके पास कुल 3 आदमी हो गए थे और बाकी बचे 100 रुपये को उसने सेव कर लिया। और अगले दिन वह गरीब इंसान आज भी 10 मछलियाँ ही पकड़ पाया और उसे बेचकर 2,000 रुपये कमा लिए। और उन 2,000 रुपये को उसने फिर से भूख बिलास करते हुए और अपने मज़े में लगाकर खर्च कर दिए और एक भी रुपया अपने लिए नहीं बचाया। और वहीं उस गरीब आदमी के पास आज शाम होते होते कुल 40 मछलियाँ हो गई थी, क्योंकि अब उसके साथ 3 और आदमी जो काम कर रहे थे, इसलिए उसने 4 मछलियाँ अपने परिवार को दी ताकि आज उसका परिवार भरपेट खाना खा सके। और बाकी की 36 मछलियाँ को उसने मार्केट में ले जाकर बेच दिया, जिसकी वजह से उसने अब 7,200 रुपये कमा लिए। अब अगले दिन उसने फिर से 3,000 रुपये में से 3 और मछलियाँ पकड़ने वाली छड़ियाँ खरीद लिया और 4 नए लोगों को काम पर रख लिया। अब उसके पास टोटल 7 लोग हो गए थे और अब उसने खुद मछलियाँ पकड़ने का काम छोड़ दिया और वहाँ पर सिर्फ बैठकर उन आदमियों पर नज़र रखने लगा। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस आदमी के पास 1,100 रुपये बच गए। और जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियाँ थी और उसके पास पहले से 1,100 रुपये तो बचे ही थे। तो आज उसने दिन भर कोई काम भी नहीं किया था, तो वह ज़्यादा थका भी नहीं था, इसलिए आज उसने 66 मछलियाँ को बेचकर टोटल 13,000 रुपये कमा लिए थे। और उसके पास पहले से ही बचे हुए 1,100 रुपये तो थे ही, मतलब कि
अब उसके पास एक अच्छी खासी रकम थी और साथ में 7 नए लोगों की टीम भी था और 7 मछलियाँ पकड़ने वाली छड़ियाँ भी थी जो उसकी इनकम की सोर्स बन चुकी थी। और अगले दिन कुछ नई छड़ियाँ खरीदी तथा कुछ नए लोगों को मछली पकड़ने के लिए काम पर रख लिया और पिछले दिन से ज़्यादा रुपये भी कमाए और परिवार को अच्छा खाना भी खिलाया और यही काम वह व्यक्ति हर रोज़ करने लगा। इसी वजह से वो कुछ ही समय में भी ज़्यादा अमीर बन गया। अब उसने अपना नया घर भी ले लिया और उसने एक नया ऑफिस भी खोल लिया। साथ ही साथ उसे अब काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अब उसने अपने काम की देखरेख करने के लिए नए नए एम्प्लॉयज़ और मैनेजर को भी हायर कर लिया था और अब वह अपने पैसों को दूसरी जगह इन्वेस्ट करने लगा। लेकिन जो शिकायत करने वाला गरीब इंसान था वो आज भी 10 मछलियाँ पकड़ता है और अपने परिवार का गुजारा चला रहा है और इस दूसरे व्यक्ति की कामयाबी से जलता रहा है और भगवान से शिकायत कर रहा है कि हे भगवान, आपने मुझे ही गरीब क्यों बनाया है और इस दूसरे इंसान को मुझसे इतना अमीर क्यों बनाया है। तो डियर जेंटलमैन, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं, वो सभी को एक जैसा बनाते हैं और हम सभी को धनवान और सक्सेसफुल होने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। बस वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। इसलिए अगर आज आप अनसक्सेसफुल और गरीब हैं तो अपनी गरीबी की शिकायत मत कीजिए बल्कि अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ कीजिए ताकि वो जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। और डॉक्टर ब्रायन ट्रेसी भी हमें यही सलाह देते हैं कि जब हम बादलों को चलते हुए देखते हैं तो हमें उन बादलों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी मकान, कभी पहाड़। बल्कि ऐसा नहीं है कि उन बादलों में ये सभी चीज़ें प्रजेंट हो, बट हमारा माइंड बादलों के टेढ़े मेढ़े आकारों में भी एक परफेक्ट शेप निकाल लेता है। एग्जैक्ट हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हम सभी के सामने एक जैसे प्रॉब्लम, एक जैसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, बट जो सक्सेसफुल मैन होते हैं ना वो इन प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं, बट जो असफल बंदे होते हैं ना वो किस्मत को कोसने और भगवान से शिकायत करने में ही अपने माइंड का यूज़ करते हैं जिससे सामने पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। और आपके अंदर भी कोई ऐसी गलत आदत है तो वो आपको कभी कामयाब नहीं बनने देगी। तो इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो में आपको 1% भी कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।